हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। और ये सर्वाइवल सीरीज का गाइस पार्ट 5 है। तो गाइस आप लोग अभी पीछे देख सकते हो गाइस क्या ग्राफिक्स लग रहा है गाइस। हाँ, थोड़ा सा पानी का ग्राफिक्स अभी तो चेंज नहीं हुआ है, बस ये टेक्सचर्स गाइस अभी चेंज हुआ है। बट गाइस एकदम न्यू लुक के साथ हम लोग आ चुके हैं गाइस माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज को लेके। आई नो गाइस ये जो सीरीज है बहुत ही डिमांडिंग सीरीज मतलब हमारे चैनल का है, और ये आप लोग बहुत पसंद करते हो देखने को, तो मेरे को भी खुशी लगता है। तो चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। आज से 24 गाइस सर्वाइवल सीरीज आने वाले गाइस, वो सभी होने वाले 4K 60 मतलब टीवी में भी गाइस ये सर्वाइवल सीरीज को फुल्ली एकदम हाई क्वालिटी में गाइस इसको आप एंजॉय कर सकते हो। तो चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने भाई इतना दिन से मैं वीडियो इसलिए नहीं डाला बिकॉज मेरे को एक अच्छा सा आर्टिक्स ग्राफिक्स पैक चाहिए था, और मैंने और बीच में 2 महीने के लिए मैंने गेम खेलना भाई पूरा छोड़ दिया था माइनक्राफ्ट, बिकॉज आप स्क्रीन में देख सकते हो। बस इस गेम की वजह से मैंने 2 महीने के लिए गाइस माइनक्राफ्ट छोड़ दिया था, बस इस गेम की वजह से। बहुत चिमकंडी गेम है बट हाँ, इस गेम की वजह से भाई मैंने गेम खेलना छोड़ दिया था माइनक्राफ्ट को। बट वापस से अपन आ चुके, पर अभी भी ये गेम खेलता हूँ, बट तब भी भाई खेलने में पता नहीं बहुत मज़ा आता है। ओके, तो हम लोग अभी हाउस में आ चुका है। देखो हाउस का पार्ट देख रहे भाई कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसका ना आर्टिस्ट का आसमान सही लगता है मेरे को। तो अभी कोई सब लोग ऊपर जाने वाले, ठीक है। देखो अभी ये जो आर्टिस्ट ग्राफिक्स तुम देख सकते हो कितना डिटेल्ड है, पर इतना भी डिटेल नहीं है जो मेरे लेवल का चाहिए। मेरे लेवल का भाई अलग ही लेवल है, तुम लोग को पता ही है। चलो जाइस इसको तोड़ते हैं अपन। बिकॉज अभी पता ही है इधर से अपन को कहाँ जाना है। ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके बाकी का जो घर का काम है वो करने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, इस वाले एपिसोड में गारंटीड होगा जो भाई ये जो पूरा घर है गाइस कंप्लीट हो जाएगा। और अपन लोग आ चुके हैं, अभी देख सकते तुम लोग का ब्लॉक का टेक्सचर में कतई सही लग रहा है। अच्छा, तो बेसिकली अभी मेरे को चाहिए कुछ सामान। क्राफ्टिंग टेबल हायर इज द क्राफ्टिंग टेबल है गाइस। ये रहा भाई क्राफ्टिंग टेबल का, तुम टेक्सचर देख सकते हो कैसा मतलब है भाई, एकदम अलग ही लेवल का टेक्सचर है। और ये जैसे नॉर्मल ब्लॉक का होता है, और ये है हम लोग का फर्नेस। यस, फर्नेस का टेक्सचर भाई जैसे मॉडर्न होता है ना, मॉडर्न जैसा मतलब टेक्सचर से, बट चल जाएगा, इतना भी कुछ ये भी नहीं है। तो ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को कुछ पेड़ तो काटनी होगा। और अभी तो देखो अभी शाम होने वाला है बिकॉज हम लोग जाएंगे कल सुबह, अभी तो कहीं शाम होने वाला है ना, अभी तो बहुत डेंजरस है। मेरे को इधर से भी एक एंट्रेंस बनाना होगा और इसको ऊपर का बनाना होगा, और बाकी चीज़ तो अपन देखेंगे कल। तो चलो गाइस अभी अपन लोग को सोने का टाइम होने वाला है, तो उससे पहले अपन बाहर का जितने भी सामान है गाइस अंदर ला देते हैं बिकॉज अपन लोग का भी जरूरत है, ठीक है गाइस। तो चलो इसको तोते। अरे मैं टेक्सचर मतलब कुछ समझ नहीं आता कौन सा किसका टेक्सचर है, बट हाँ देखने में सही लग रहा है। इसका भी इसके अंदर बहुत सामान है, ज़्यादा तो डर्टी है बट ओके गाइस। और ये अंदर जाएगा मेरे साथ। चलो गाइस ये भी जाएगा और ये ब्रिंग स्टैंड भी जाएगा, हाथ से ही टूट जाते हैं, ज़रूरत नहीं होता। ओके, और तो भी चलो सर जी। ओके गाइस, अरे यार चलो ना भाई, चलो एक और क्राफ्टिंग टेबल आ गया, पता नहीं कितना क्राफ्टिंग टेबल और बैठेंगे। और बेसिकली अभी तो और कुछ नहीं है, और आयरन आर्मर भी गाइस तुम लोग देख सकते हो पूरा टेक्सचर चेंज हो चुका है, डायमंड का भी पूरा चेंज हो चुका है, मतलब सबका जो टेक्सचर है थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो चुका है। मेरे को ना एक चीज़ देखना है, मेरे पास आई थिंक आयरन है ना, आई डोंट वाइट टूल है भाई, वाइट टूल का भी टेक्सचर पूरा चेंज हो चुका है ऐसा दिख रहा है, बट वो पुराने वाले अच्छा लगता था। बट ओके गाइस, सर ये अपन लोग का आयरन का स्वॉर्ड है, तो मेरे पास आयरन नहीं है क्या मैं? ये तो वाइट वूल है और ये कोल है, और अच्छा ये एक्स है ना, वुडन एक्स, तब भी थोड़ा एक्स जैसा दिख रहा है। बट गाइस जब तक अच्छा सा आरटीएक्स ग्राफिक्स वाला रिसोर्सेस पैक नहीं मिल जाता तब तक भाई नहीं करूँगा। बट तुमको यदि आरटीएक्स ग्राफिक्स का जो आर्टिक्स ऑफिस भी क्या बोलेंगे टेक्सचर पैक चाहिए तो मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो तुम लोग को यदि ये जो टेक्सचर पैक चाहिए तो भाई मेरे को गाइस कमेंट में बताना, मैं आपको इसका लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बट इसके हॉपर का ये चीज़ अभी तक चेंज नहीं हुआ।
वो देखो भाई वाटर का, वाटर का ये तो मैंने आपको दिखाया नहीं, बट वाटर का मतलब जो बाल्टी का बकेट है ये मतलब ऐसा है, बट ये नॉर्मल ही है। ओए 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 टॉर्च टॉर्च, ये तो चचा टॉर्च की ज़रूरत है, नहीं तो रात को ऐसे ज़ॉम्बी आएंगे ना पीछे से पूरा थप्पा बोल देंगे सर जी, तो इसलिए टॉर्च की ज़रूरत होती है। चलो जी सो जाते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वापस हो चुके हैं एकदम नई सुबह के साथ। तो गाइस आज अपन करने वाले हैं बहुत कुछ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सोच रहे हैं क्या इधर से स्टेयर्स बनाने की काम तैयारी करें, बिकॉज बार बार से कौन ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इससे अच्छा अपन स्टेयर ही बना लेते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे प्लैंक्स है, तो चलो जी गाइस प्लैंक्स बनाना करते हैं स्टार्ट। यही इसका ही उपयोग करेंगे अपन। तो सबसे पहले अच्छा मेरे पास 40 ओक स्टेयर्स है और ये क्या है एक्स टीयर्स। तो पहले अपन एक काम करते हैं, ये जो प्लैंक्स है इसको पहले मतलब जो उड़े भाई एक ज़्यादा स्पीड में नहीं हो गया क्या, बट ओके अपन लोग को क्या चाहिए मतलब भूल गया। हाँ ओ भाई सब एक ज़्यादा स्पीड में नहीं हो रहा, नूबड़ा चीज़ है भाई। एक ही बार में मर गया, मैं वाटर बकेट नहीं तो कर सकता, बट एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, पहले को थोड़ा खा लेता हूँ, बस मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, रिस्क लूँगा ना मर जाऊँगा। बट ओके इधर से मेरे को एक और नीचे जाने का रास्ता बनाना पड़ेगा, तो मेनली इधर से ये जो चीज़ है ये मतलब होने वाला है भाई, डैमेज लेके मर जा सकता भाई, रिस्क नहीं ले सकता भाई। ओ अच्छा मेरे पास तो ब्रेड भी है, पहले थोड़ा गाइस हेल्थ को जनरेट होने देते फिर बाकी काम करेंगे अपन। अभी घर को दूसरा मंजिल करेंगे बिकॉज यही ख़त्म नहीं होने वाला, माइनक्राफ्ट का स्क्वायर वर्ल्ड है तो ये चीज़ ओ बच गया। अरे सही है सही है। तो अभी देखो एंट्रेंस मैं तुमको बता देता हूँ कैसे मतलब जो क्या कुछ करना पड़ता है, देखो एंट्रेंस समझ लो इधर से ही है ठीक है। तो अब मेरे को बेसिकली पहले अपन इधर का थोड़ा आसपास का अपन ना क्या करते हैं डर्ट, ये जो डर्ट है कलेक्ट कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। गाइस अपन लोगों ने थोड़ा डर्ट अपन कलेक्ट कर लिया है, तो अभी देखो क्या करना है। तो मैं सोचो इधर बैठाऊंगा ठीक है, सामने कौन आ रहा है नो बड़ा चीज़, ये देखो ऐसे बैठाएंगे ओके ऐसे ऐसे करके बैठेंगे ठीक है, बस एक ही लगाना है। हे अरे ये तो भूल ही गया इसको लगाएंगे कैसे, इसके नीचे का भी मतलब वापस सेम पोर्शन, बस एक लगाना है बाकी तो काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये देखो ये एक दो तीन चार पाँच ओके। अरे ये स्ट्रेट वाला तो है ना, वही तो मेरे को बस ये करना है, बाकी तो अपन देख लेंगे ओके ओके। अरे ये नीचे से मैं उसको तोड़ दूंगा, ऐसा कुछ सीन नहीं है ज़्यादा, मैं इसको नीचे से तोड़ दूंगा ओके। तो चलो गाइस पहले अपन एक काम करते, ये जो स्टेयर इसको कंप्लीट होने के बाद अपन लोग मिलते। आई थिंक मेरे को इतने आगे से नहीं बनाना पड़ेगा बिकॉज इतना दूर भी नहीं है, सीरियसली बोलूँ मैं ये कुछ ज़्यादा हाइट, अच्छा छोड़ो जो जिस हाइट में पहुँच गया ना, हाइट में पहुँच गया तो मैं एक काम कर दूँगा, मैं देख देता हूँ। अच्छा गाइस चलो गाइस पहले अपन ये जो इसका पूरा काम है पूरा काम ख़त्म होने के बाद अपन लोग गाइस मिलते हैं ठीक है गाइस। तो चलो गाइस ओके ओके गाइस फाइनली हम लोगों ने गाइस इस साइड का ये तो मैंने कंप्लीट कर दिया, अभी तुम लोग देख सकते हो मैंने इतना हाइट कर रखा बिकॉज इतने से तो अच्छा होगा बिकॉज मैं इधर फेंस बैठा दूंगा और फेंस से ये करेंगे ठीक है। देखो पहले अपन काम करते, पहले अपन फेंस बना लेते हैं ठीक है, ये आ गए और इधर से अपन फेंस के लिए स्टिक्स चाहिए होंगे, वही फेंस कैसे बनाना पड़ता है अपन तो खुद ही अच्छा 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 ये स्टिक्स चाहिए, प्लैंक्स आई नीड अ प्लैंक्स किधर है, आई थिंक उस वाले चेस्ट के है ना,
पहली आप मुझे, मैंने कुछ ज़्यादा ही स्टेयर्स बना लिया, आई थिंक इतना स्टेयर्स नहीं लगता, बट ओके, हमेशा कुछ ना कुछ बैकअप तो रखना पड़ता है, नहीं तो वापस से ट्री काटने जाना पड़ेगा। पूरा तो वैसे सवाना भाई मैंने पूरा खाली कर दिया है, कुछ है भी नहीं, बट ओके लेट्स सी क्या होता। अच्छा मेरे पास ऑलरेडी प्लैंक्स है, और स्टिक्स चाहिए, आई नीड स्टिक्स। अरे तो चलो गाइस, इतना फेंस आई थिंक काफ़ी है, 33 फेंस बन चुके, अभी आप लगा देते। ठीक है देखो अभी कैसे लगेगा, ऐसे 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 ऐसे, देखो इस साइड ऐसे लग गया, इस साइड ऐसे, इस साइड ये भी लग गया, और इस साइड का मैं फ्लोर का काम अभी कर दूंगा। ओके और आई थिंक ये नीचे लगने लगेगा ना, नहीं ऐसे तो नहीं, नहीं 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 ऐसे नहीं लगेगा, वैसे उतना कुछ चाहिए भी नहीं, वो देखा जाएगा। ओके नाउ आवर फ्रंट ऑफ इंटीरियर्स, तो चलो गाइस मेरा सामने का ये जो है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसको अभी और सामने सजाएंगे। और ये ना मैंने इधर एक थोड़ा सा स्टेशन जैसा अपन बनाएंगे, जो मतलब क्या तुमको समझा देता हूँ, इधर देखो इधर रिवर है तो अपन थोड़ा प्लेटफॉर्म जैसा बनाएंगे जिससे अपन डायरेक्ट इधर जा सके, और कोई ज़ॉम्बीज ना आए तो अपन इधर एक फेंस के लिए मतलब ये कर देते हैं। ठीक है ये देखो इधर, और इधर से एक आएगा आई थिंक, इधर से वो डोर दरवाज़ा तो हो जाना चाहिए, क्या बोलते हो? ओके हो जाएगा, इतना भी कुछ दिक्कत तो नहीं है, इस साइड से सही है, बस इधर टॉर्च लग जाना चाहिए, जब मेरे पास ऑलरेडी कोल से, मैं कोल से टॉर्च बना दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को टॉर्च बनाना होगा, टॉर्च के लिए कोल को, अरे सारे चेस्ट खाली रहते हैं भाई, मेरे को माइनिंग करने निकालना पड़ेगा, बट ये क्या चीज़ है भाई। तो ये है कोल, इसका आयरन का टेक्सचर चेंज नहीं किया, गोल्डन एप्पल पूरा चेंज कर दिया। ओके तो अपन अभी कोल ले लेते हैं, ये रहा गाइस कोल, तो अभी का अपन क्राफ्ट करेंगे टॉर्चेस, 28 टॉर्च आराम से हो जाएगा, और अपन अभी जाएंगे सोने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वापस से हो चुकी है एकदम नाइस सुबह, तो चलो गाइस अभी अपन चलते हैं। तो मेरे को इधर टॉर्च लगाना पड़ेगा, ओके तो ये देखो एक टॉर्च, ये भी टॉर्च, ये टॉर्च, ये भी ठीक है, और इधर से भी एक लगा देते हैं, और इधर का भी ये भी सेम चीज़ होने वाला, इधर जो हाफ टॉर्च लग गया तो फिर बाकी जगह कहाँ से कहे लगाएंगे। ओके तो ये इंटरनल अपन ऑलमोस्ट बोल सकते हो कंप्लीटेड हो चुका है, आई थिंक। अच्छा ये आई थिंक गलत जगह नहीं है, ठीक ही है, बोलो सर जी। ओके ठीक ठाक ही कह सकते हो तुम लोग। ओके और ये नीचे का जो चीज़ है इसको मैं ठीक कर दूंगा लास्ट में, तो अभी बेसिकली नीचे चलो। अरे नीचे का क्या सीन है आप अभी देख के आते हैं, तुम लोग का नीचे का सीन ना मतलब क्या बोले, ये इन लोग का कभी ये ख़त्म नहीं होने वाला। सामने बहुत सारे पेड़ थे, वापस से मेरे को काटने जाना पड़ेगा, ये तो मेरे को गारंटेड पता है, और इस साइड का वो चीज़ मेरे को लगाना पड़ेगा बिकॉज मैंने इसको लगाना भूल चुका हूँ, तो पहले इसको लगा देते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, बस कोई दिक्कत ना हो जाए। ठीक है मैंने बोला ना दिक्कत का नाम होगा, दिक्कत नहीं आएगा, ऐसे कभी होता नहीं है। ओके ओके बस तुम लोग के आग से आ रहे हो बस जी, जला मत दो भाई, बहुत मेहनत से कर रहा हूँ सर जी। स्टोन का पता नहीं, मैं तो कुछ दिन बाद स्टोन में अपग्रेड करूँगा, बट वैसे जला मत दिया कर, अरे यार क्या टट्टी चीज़ है भाई। चलो जी कलेक्टेड हो गया, और ये चलो गाइस हो चुका है ऑलमोस्ट, और मेरे को इधर से एक ना सोच रहा हूँ मैं वैसे कि एक प्लेटफॉर्म बना देता हूँ, मैं इस साइड से घुसूँगा, इट साइड उस साइड से, और इधर का ये जो एरिया है मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके ओ क्या स्पीड में जा रहा हूँ, कुछ ज़्यादा स्पीड नहीं, कुछ ज़्यादा स्पीड है ना।
ओके, मेरे को एक टूल चाहिए, टूल टूल और एक एक्स है, सबल, वुडन सबल। अभी वुड का यूज़ करो, आज से वही सब कुछ स्टोन और आयरन का यूज़ करेंगे, बस वेट करो, थोड़ा सा वेट कर जाओ। वुडन का आइटम हटाए आज भाई, इस बार का सर्वाइवल सीरीज में अपन इसको हटा के ही रहेंगे सारे, जितना भी हो जाए। ये टेक्सचर देखने में अच्छा लग रहा है। अरे पीछे पीछे ज़ॉम्बी, ये तो मेरे को जला देता, मैंने मेरे हंगर बार ना कम है तो उसीलिए मेरे को भागना पड़ा। और ओके देखा जाएगा, पहले अपन इसलिए तो भाई सर्वाइवल सीरीज बड़े बड़े रखते, बिकॉज अपन लोग बहुत प्रोग्रेस कर पाए एक ही बारी में, जिससे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी वजह से अपन लोग बहुत प्रोग्रेस करके रखते हैं, और इसी वजह तुम लोग बोलते हो ना सर्वाइवल सीरीज एक 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 घंटे का, दो दो घंटे का क्यों आता है, इसी वजह से आता है। इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता ना, मजबूरी है करने के लिए। ओके, अरे तेरे लामा के चे निकल, ये बहुत दिमाग खराब कर रहा है। चलो जी, वुडन सवाल का तो काम खत्म। तो चलो गाइस, फाइनली ये जो एरिया ये क्लियर हो चुका है, और इधर का जो थोड़े झाड़ है अपन निकल देते हैं। चलो ये छोटे ही है एक्चुअली, पर चल जाएगा, इतना कुछ नहीं है। ओके, मैं इधर से इसको हटा देता हूँ। हाँ चलो, इधर से ये हट चुका है, और अभी मेरे को थोड़े से प्लैंक्स आई थिंक है ना, नहीं है अभी तो प्लैंक्स की कमी होने वाली। मेरे को सवाना वाला तो सामने है, बट जब भी अब थोड़ा सा प्लैंक्स का कमी हो सकता है। अबे एप्पल का टेक्सचर सही है बे, कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक नहीं है क्या? ओके क्या है रेडस्टोन डस्ट? अबे रेडस्टोन, अबे ये क्या चीज है, डायमंड ऐसा दिखता है बे? अबे मैंने भाई ये, ओ भाई ओके अच्छी बात है, कुछ ज्यादा रियलिस्टिक कर दिया इसमें सब कुछ कुछ ज्यादा ही मैंने, आज से ज्यादा ये रियलिस्टिक हो चुके हैं ऑब्सीडियम में। अच्छा मैंने इधर पोर्टल बना सकता हूँ, बट फ्लिंट एंड स्टील अभी के लिए नहीं है। पोर्टल के अलग से ये प्लेटफॉर्म मैं खड़ा कर दूंगा, तो अभी इसको अंदर ही रखते हैं। ये क्या है, ब्लॉक ऑफ गोल्ड? अच्छा तुम लोगों ने इसका एग्जैक्ट टेक्सचर नहीं देखा ना, अभी मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। एक बार थोड़ा सा ये देखो, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा टेक्सचर है। ब्लॉक ऑफ गोल्ड है, ब्लॉक ऑफ आयरन, जो भी कहना है तुम कह सकते हो। ये एमरल्ड है भाई, कुछ ज़्यादा ही चमक नहीं रहा क्या? ओके आई थिंक मेरे पास ख़त्म हो चुका है जो जो खत्म होना था। यस, सवाना वयम का सवाना वुड खत्म हो चुका है, वाह। अब मेरे को वापस से ये तो नॉर्मल ओक प्लैंक से जो सामने के उसमें मिल जाएगा, और उधर दूर दिख रहा है। अच्छा अभी आफ्टरनून है ना, ओके तो मैं अभी इधर से निकाल सकता हूँ। ओके हाँ मैं निकाल सकता हूँ इधर से, एक कॉबल स्टोन तीन से एक आराम से बन जाएगा ये चीज। चलो निकलो डायरेक्ट, अभी तो सुबह उधर से मैंने सीढ़ी कर दिया है, तो अभी इतना कुछ दिक्कत तो नहीं होगा। चलो जी, मैं इधर से एक फटाफट से ये बना लेता हूँ, ये एक्स है ना। हाँ चलो भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब अभी तो पूरा चेंज किया है ना, तो अभी समझ नहीं आ रहा मतलब क्या कर है। बट आप पीछे से ये जो चीज़ है ये मैंने मस्त बनाया डायरेक्ट नीचे जाने के लिए, वो बट ओके गाइस। चलो अभी गाइस शाम चल के आप लोग मिलते हैं। फाइनल गाइस, अपन लोग सवाना बायोम के इस वाले एरिया में आ चुके हैं, तो अभी गाइस पेड़ को माइंड करना है। तो ये भाई का डिटेलिंग है बे, इसमें कुछ कुछ जो मतलब कुछ चीज़ें ना इसमें बहुत डिटेलिंग किया गया है। पठा गाइस, तुम लोग कुछ चाहिए तो वाइस बोलना, मैंने इसको लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिया है,
जावा प्लस इसमें बेडरॉक में काम करना चाहिए, बिकॉज बेडरॉक में ऑब्वियसली काम करेगा, आप जावा में काम कर सकता है, बिकॉज ये मीडिया फायर में उसमें लिखा ही है, तो जाके एक बार चेक कर लेना। अच्छा होगा भाई, 150 MB का फाइल है, आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा आप ज़्यादा वुड कलेक्ट कर लेते सर जी, तो इससे क्या होगा, चलो जी ऊपर चलते हैं भाई। ये अभी तक ऑनलाइन ट्रेडर है, अभी तक क्या कर रहे हो सर जी? ओके यार, चलो जी सो जाते हैं। ओके गाइस, तो अभी अपन बनाएंगे बहुत सारे फ्लैक्स। एक इतना प्लैंक हो चुका है, एक प्लैंक के भी जगह नहीं था। बट ओके गाइस, अभी अपन ये प्लैंक हटाएंगे नीचे। ओके अरे ऐसे ऐसे थोड़ी चलता है, रुको ऐसे नहीं, नीचे का भी तो तोड़ना पड़ेगा, मैं तो भूल ही गया। मैं इसको तोड़ दूंगा, मैं सोच रहा हूँ इसको तोड़ के इधर से कर देता हूँ ना, हाँ यही तोड़ देता, बिकॉज वापस से कौन खुलेगा, उससे अच्छा थोड़ा ऊंचा ही रहेगा, दिक्कत भी क्या है। हाँ अभी सही लगेगा। चलो जी ये भी लगा देते हैं अपन भाई। बट अगर टेक्सचर दिखने में मस्त है गाइस, तुम लोग को चाहिए तो बोल लगा, इसका प्रमोशन वीडियो नहीं है, बट हाँ अच्छा लगे तो ले लेना। तू क्या ट्रेड कर रहा है? अरे तू कभी फालतू चीज के अलावा कुछ ट्रेड नहीं कर सकता क्या? निकल नूबरे, फालतू चीज के अलावा कुछ ट्रेड नहीं कर सकता क्या भाई? बहुत दिमाग खराब चीज है भाई। आई नो इसका बहुत लंबा स्टोरी है, बाद में कभी सुनाऊंगा वंडरिंग ट्रेडर का, बट ओके अभी के लिए तो दिमाग खराब कर रहे हैं। ओके इसको भी कर देते हैं, और ऑलमोस्ट इधर का ये जो चीज़ है ये हो जाएगा, बिकॉज आई नो तुम लोग को बोल रहा हर सीरीज से भाई, तब से भाई मतलब कितने दिन हो गए मैंने सर्वाइवल सीरीज में ये जो घर का चीज़ है ये करो, बिकॉज आप लोग अभी तो माइनिंग करने भी नहीं गए सर जी। हाँ आई नो, बट क्या करेंगे सर जी, एपिसोड भाई कम आ रहा है तो फिर वैसा ही सीन है ना, बट देख ट्राई कर रहा हूँ भाई। ये एपिसोड खत्म होने के बाद ही अपन गाइस नेक्स्ट एपिसोड ही मतलब डाउन मतलब ये कर दें रिकॉर्डिंग करना, बट ट्राई करेंगे। ओके गाइस अपन लोग भाई ट्राई करेंगे, ये पॉसिबल हो सकता है तो अच्छी बात होगा, बिकॉज इससे तुम्हारा भी फायदा मेरा भी फायदा होगा, तुमको सर्वाइवल सीरीज देखने को मिल जाएगा और मेरे को भाई बताइए। लाइक कर दो गाइस, लाइक करना पड़ी होता है भाई, लाइक करना। तो चलो गाइस मैं इस साइड का काम कर दूँ, खत्म करने के बाद मैं मिलता हूँ आपसे। ओके तो ओके गाइस, फाइनली ये वाला जो सीन है गाइस फाइनली कंप्लीटेड हो चुका है, मतलब ऐसा कुछ सीन होने वाला है, और आप हम घुसेंगे इधर से, ठीक है इधर से आप हम घुसेंगे, और इधर से भी एक फेंस का रास्ता रहेगा, ठीक है इधर से अपन घुसेंगे, और इधर से मतलब बोट का कुछ ऐसा सिस्टम बना देंगे, और उस साइड जाने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे, ठीक है जिससे ये नदी आराम से पार हो सके। देखो थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए अपन बना रहे, ऐसा नहीं है जो भाई मतलब ऐसे फालतू में वेस्ट कर रहे, थोड़ा डेकोरेशन तो चाहिए ना, और वैसे भी फ्लाइंग हाउस है हबे में, मतलब माइनक्राफ्ट में तो कोई लॉजिक का चीज़ काम तो नहीं करता ना, तो इसलिए अपन भी लॉजिक खा देंगे बोलो। तो देखो अभी भी रात तो नहीं हुआ है, बट बारिश ज़रूर हो रहा है, जो बारिश मेरे को एकदम पसंद नहीं है, बट अपन क्या कर सकते सर जी, करना तो पड़ेगा ही काम। और तो पहले चलो फेंस गेट थोड़े से दो चार लगेंगे, ठीक है, और थोड़े फेंस अपन ज़्यादा बना लेते हैं,
ओके इतना फेंस सभी बना लेते हैं ना, काम में तो सब कुछ सभी आएंगे, तो वही बात है भाई। आसमान जितना भी भाई कतई सही लगता है इसमें दिखने में, तो थोड़ा सा रियलिस्टिक तो है आसमान भाई जितना भी हो। और इस साइड का थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, मतलब इसका फेंस का अपन क्या करें, बिकॉज मैं नहीं चाहता कोई भी ज़ॉम्बी इधर स्पॉन हो। ओके तो इसीलिए मैंने ये जो चीज़ है मैंने किया है जिससे कोई दिक्कत तो ना हो फ्यूचर में। ओके कोई ज़ॉम्बी भी ना बस आ ना सके। ओके चलो जी, फेंस में तो कूद ही नहीं सकते आप सीरियसली। ओके एक साइड तो लग गया और दूसरी साइड लगाना बाकी। तो ओके गाइस, इस साइड लगाने के बाद आप लोग मिलते हैं। ओके गाइस, क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा बहुत। तो ओके गाइस, फाइनली ये जो फेंस का काम है ये पूरा ख़त्म हो चुका है, बस ऊपर टॉर्च लगाना बाकी रह गया ना। अब बहुत सारा टॉर्च चाहिए, बट अभी के लिए अपन के पास 8 टॉर्च है। अपन इधर एक लगा देते हैं जिससे अंधेरा मतलब नहीं रहे, ठीक है। माइनक्राफ्ट है तो क्या हुआ भाई, जॉम्बी नहीं दिख रहा सर जी। जॉम्बी की तरह जॉम्बी का तो आना चाहिए था। लो ये लास्ट वाला लग गया। आई नो वो बीच में थोड़ा सा देना बाकी रह चुका है, बट आई डोंट हैव एनी कोल राइट नाउ। अच्छा मैं गेट को बंद करना भूल ही गया। अरे ये क्या भाई, डैमेज ले रहा खुले आम। ओह रात कितना अच्छा लग रहा है भाई, भाई देख के मजा आ रहा है भाई। नाइट्स नाइट देख, मैंने इतना जोर लगाया भाई वो वापस से ये हो गया बिकॉज पिंक आई। हट यार, अभी वो वापस से आने वाला है, इससे तो अच्छा भागो। अभी सोते हैं, बाकी का काल काम करेंगे। अभी के लिए तो गुड नाइट। चलो बारिश भी आ रही है, कल सुबह से वापस से अपन लोग को ये इसके तो अच्छा तो नहीं लग रहा, ये करना पड़ेगा। बिकॉज अभी अपन जो माइनिंग करने जाएंगे ना, जो खतरनाक वाला लेवल का माइनिंग करेंगे, मतलब माइनिंग क्या बोल रहा हूँ, जो ये करेंगे वो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। ओबे भाई एक बार देख रहा है उधर तो क्या सीन है। हाँ उधर का बेसिकली उधर मैंने वो नहीं लगाया, बट ओके ये दो तो लग गया। और इधर का वो सीन करना पड़ेगा, मैं भूल गया था। ओके इधर का एक उस टाइम पिंग इश्यू हो गया था तो फिर गया, एल लग गया, लग जा। ओके ओके और बाकी देखेंगे आप। तो चलो जी अपन अभी आई थिंक माइनिंग में चलते हैं ना। देखो खाना पीना सब कुछ है, बस चलो माइनिंग में जो घुस जाते हैं। हाँ कुछ ऐसा करने को है भी तो नहीं। एक क्राफ्टिंग टेबल उठा लो, कभी काम में आ जाएगा। ओके क्राफ्टिंग टेबल उठा लिया, क्राफ्टिंग टेबल उठा लिया अपन लोग ने। कुछ नहीं है तो बाकी तो सब अंदर का काम कर, थोड़ा सा ये ले लेते, 7 आयरन रखते और बाकी स्टिक्स रखते, स्टिक्स की जो ज़रूरत है, और पॉक चॉप और बाकी तो चॉप, ठीक है। ओके गाइस चलो जी अभी अपन चलते हैं नीचे और बाकी चीज़ माइनिंग में जाएंगे। अपन सोच रहे गाइस माइनिंग में चलते हैं, बिकॉज माइनिंग इज़ द मोर इम्पोर्टेंट। बिकॉज अपन लोग का सामान एंड हो रहा है ना, सामान ख़त्म हो रहा है, तो मेरे को माइनिंग की ज़रूरत है भाई, नहीं तो पॉसिबल। इधर एक माइनिंग है ना, माइन 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 नहीं, इधर कॉपर से मैं करूँगा क्या, कॉपर करके मैं अचार डालूँ क्या, कोल। यस एक मिनट, अबे यार मैंने तो यही नहीं किया। अच्छा हुआ मैंने ये क्राफ्टिंग टेबल रख के रखा है, जिससे मैं एक अच्छा सा तो ये बना सकता हूँ, क्या बोलते हैं इधर भाई, तो ये है ठीक है ठीक है। और इधर अपन एक ये बना पाएंगे, क्या बोलते हैं एक्स।
आयरन हो है ना, एक्स पिकैक्स, पिकैक्स सही है। हाँ मैं पिकैक्स भी बोल चुका हूँ, मतलब क्या सिंह ने पिकैक्स इज रेडी। और क्या चाहिए? आई थिंक ए ठीक है ना। चलो गाइस पहले इसको माइन कर लेते, अभी अपन थोड़ा टॉर्च बना पाएंगे, बिकॉज टॉर्च की ज़रूरत है सर जी, बिना टॉर्च के कैसे काम चलेगा तुम मेरे को बताओ। ओके इसको अभी माइन कर लेते तो। ओके गाइस चलते हैं। अरे यार इसका भी जगह नहीं है ना, उलन एक्स तू निकल। ओके आई ओ भाई अंदर है, अंदर है, अंदर है, अंदर है, एक मिनट। हट यार ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। ओके कोई बात नहीं, कोल तो मिल चुका है ना वापस से। एक चीज नोटिस किया है, जब मैं कोल माइनिंग करने जाता हूँ ना भाई बहुत कोल रहता है, मतलब एक भंडारा रहता है इधर। अरे आयरन दो ना भाई, ये क्या कॉपर दे रहा है, क्या टट्टी चीज है भाई कॉपर। चलो आई थिंक अभी थोड़ा और माइनिंग कर लेते हैं, बिकॉज भाई इसका टेक्सचर अभी तक चेंज नहीं हुआ है, बस कोल का हुआ है, मतलब आयरन। अब पी भाई आयरन मिल चुका। ओ आयरन तो क्या 3D लुक दे रहा है सीरियसली आयरन का। इसका इस भाई ये माइनिंग करने में जो सेटिस्फेक्शन है ना भाई वो किसी में नहीं है भाई, सीरियसली बोलूँ। इसको फेंको ना, रोटोन प्लस का क्या करूँ मैं भाई, क्या कूल है भे, पूरा खानदान का राशन का सब कुछ मिल जाएगा। और कूल बहुत काम की चीज़ है, कूल लगेगी भाई, पूरा घर को सजा देंगे कूल से, मतलब जो टॉर्च होता है ना, टॉर्च लगती है बहुत सारे, तो टॉर्च के लिए मेरे को। अबे यार कितना कूल मिल रहा है सीरियसली बोलो, अब जाके ख़त्म हुआ। ओपी भाई और आई थिंक अभी कॉल नहीं है, बस ऊपर कॉपर है, बट कॉपर की मेरे को ज़रूरत नहीं है। चलो जी नहीं नहीं अभी भी सुबह है, सुबह सुबह सुबह, निकलो 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 इधर से, ये निकलो निकलो इधर से। हाँ ओके सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं होता, बट रिक्स क्यों लेना। अरे यार उन्हीं पीछे कोल था, बट ओके अपन कैसे घूमता रहे क्या अभी पूरा दुनिया, किसी माइंड में तो घुसना तो पड़ेगा। हटिया या कोऑर्डिनेट्स याद रखना ठीक है, 3, 8, 6, 3 उतना ही कुछ कोऑर्डिनेट्स रखते हैं अपन याद। 3,800 कोऑर्डिनेट्स होने से ऑलमोस्ट होता है। ओके समझिए इतना कोई दिक्कत भी नहीं है, मारपीट के भी आ गए ना तो बच जाएंगे कई पर, किसी तो माइंड में घुसना पड़ेगा। अरे इधर से स्टेट डिगिन करो तो जरूरत नहीं है, स्टेट डिगिन करो इतना कौन ये करेगा, दिमाग खराब चीज। स्ट्रेट डिगिन करो भाई, स्ट्रेट माइंड। तीन लेवल अपन अंदर जा सकते हैं वो अपन देखेंगे।
एक सेकेंड, किसी माइंड में आ चुके क्या? यस फाइनली, आयरन आयरन आयरन। ओके इसी तो, इसकी तो मेन जरूरत है, तो इससे अपन ना बहुत सारे पिकैक्स बना सकते हैं। डायमंड लेवल तक अभी तो पहुंचा नहीं हूँ, बट हाँ जल्दी पहुंच जाऊंगा। बट ओके और आगे चलते हैं, और आगे आ और आगे, बस ज़ॉम्बी ना आ जाए बे। इन लोग का नाम दो, ये लोग नहीं आएंगे, ऐसा कभी हो सकता है? अभी एक चीज तुम लोग देखोगे, मैं तुमको दिखाता हूँ, ये देखो निकाल, पीछे से ना कोई धप्पा ना कर दे। मेरे पास आयरन नहीं रहते, मैं इसको इसे डर क्यों रहा हूँ भाई इतना? ओके साइड से माइन होके निकाल दे। अरे तू आ जा, तू आ जा, फट जा। ओके गया। गाइस लैपिस मिल गया बे, लैपिस ले लो बे, लैपिस में बहुत कुछ मिलता है यार। अभी के लिए फेंस हटा, फेंस भाई मिल जाएगा, कभी ना कभी फेंस मिल जाएगा, बट लैपिस तो नहीं मिली कारी। ये तो ओ अच्छा, ये बहुत बड़ा माइन है। मैं सोचा ये क्या चीज़ है बे। अरे यार कहाँ से फट जाता है वे। अबे ये तो ग्रेवल है, मैं तो खुद भी ऐसे डरने लग गया, ये क्या टीएनटी वेंटी होगा। ग्रेविल से कौन डरता है सर जी? ओ आयरन 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 आयरन, इधर भी आयरन है। एक मिनट, बहुत इंटेंस सिचुएशन है भाई। माइन कर, अरे ये पिंक पिंक क्या चीज़ है? बस ये ना गिरे ना भाई, ये गिर गया था। ऐसा पानी टपक रहा है ना, लगता है भाई ये मतलब कुछ गिर रहा है। उड़ी बाबा, अरे ये तो नीचे बहुत बड़ा चीज़ है भाई, मैंने स्ट्रेट माइनिंग किया सही किया भाई, मैंने ऐसा सीन लग मैंने मन किया लगाओ स्ट्रेट माइनिंग क्या आ जाएगा इसका, मिनी तो बस इसी मतलब कर दिया। तो सीरियसली भाई माइनक्राफ्ट वालों ने अच्छी जगह कर रखा यार। अच्छा है बहुत सारा आयरन तो मिल चुका है, जिससे नेक्स्ट ईयर मैं बैकअप सब कुछ लेके तो आ सकता हूँ। बहुत कुछ इसका टेक्सचर अभी तक चेंज नहीं हुआ है, बट ओके हो जाएगा। अबे यार अच्छा वहाँ माने इसको, इसके ऊपर खड़ा नहीं। गोल्ड 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 ओपी, गोल्ड ओपी। हट ये तो इससे माइन होगा, हट यार गोल्ड गिर गया नीचे, बट ओके। आई थिंक नीचे ना बहुत सारे मॉन्स्टर्स और स्केलीटन है, ठीक है पहले इसको बंद कर दे। ठीक है अब नीचे बहुत सारे मॉन्स्टर्स और प्लस स्केली टेंस है, हाँ, बहुत सारे है। अब ये क्या चीज़ है ना, अभी मैं चीज़ नीचे गिरा ना तो सभी इतना सारे जब मतलब मिलके मेरे को ना छोड़ेंगे नहीं, सबसे बड़ी बात ये है। अभी अब मैं ऊपर से नीचे आया हूँ,
मेरे गियर में अभी इतना हल्स तो नहीं है कि मैं एक कर पाऊँ। अभी देखो 23 आयरन है मेरे पास और बाकी तो देखा जाएगा, बट हाँ नीचे मैं ट्राई करूँ क्या जाने का। नहीं उस साइड भी तो होगा ना, उस साइड भी चलती है भाई। अच्छा चलो उस साइड निकालते हैं, इस साइड ना आ चुके अपन, मार्क कर देगा स्टोन से। स्टोन से मैं मार्क कर दूंगा, इतना कुछ दिक्कत भी नहीं है। चलो जी ऊपर चलते हैं अपन। चलो भाई किस माइंड में घुस गया पता भी नहीं चला। इसका ऊपर भी ये था मैंने। तो फाइनली गाइस अपन आ चुके भाई। एक चिमकांडी फ्रेंड ने भाई फोन किया, बस मैं एफ के चला गया और एक जॉम्बी आके मेरे को मार दिया। मतलब क्या बोले, जिंदगी हो तो ऐसी भाई। क्या भाई मतलब सब कॉल, जब मैं गेम भाई सीरियसली बोल रहा, जब मैं गेम रिकॉर्ड करता हूँ ना, तब भाई दुनिया मतलब जितने भी भाई सभी फ्रेंड्स मेरे को याद आ जाते हैं भाई। हेलो भाई क्या कर रहे हो भाई, मतलब क्या बोलूँ, सारी सबको मेरे को याद आना था होता है। बट ओके कोई दिक्कत नहीं, मेरे को अपना सामान तो मिल चुका है। सामान आ चुका है 64 गोल्ड और ये बला चीज़। ये भी आ चुका है, ये भी, ये टॉर्च भी। इस यार मैं ये ब्रिंग स्टैंड लेके क्यों घूम रहा हूँ, मेरे को कोई पता ही सही। बट ओके ये फेंको भाई, अच्छा हुआ वो जॉम्बी नहीं था इधर, बच गया। नहीं वैसे वो जॉम्बी चला कहाँ गया ये तो पता ही नहीं। आए वो जॉम्बी आया मेरे को मारा चला गया, वाह वो सर जी। जॉम्बी आया मार के चला गया, अरे भाई अच्छा जॉम्बी था। ओके वैसे मेरे को इधर का अभी कोई ज़रूरत नहीं है, इधर का तो एक्सप्लोरेशन हो चुका है और नीचे जाएंगे। पर मैं इधर टॉर्च लगा कर रख देता हूँ। उड़ी बाबा तुम कौन हो, हेलो भाई कैसे हो तुम। स्लाइम, अच्छा हुआ स्लाइम स्लाइम चाहिए मेरे को। आराम से सब कुछ जगह मिलेगा, रुको ज़रा सब्र करो इतना भाई। आराम से आराम से, कहाँ जाना है। अरे आराम से सबको मिलेगा सैंड डर्ट। अरे इसका तो टेक्सचर, ओह क्या डीप डार्क है। आयरन दिख गया मेरे को, ए ऊपर से ये आई थिंक रवि ने पे मेरे को तो लग रहा है सही। अबे मैं किधर से आया था वो तो बताओ। कहाँ से आया, अच्छा इधर से ना, इस साइड से। ओके बट देखा जाएगा, पहले अपन को आयरन थोड़ा सा कलेक्ट करना है। ओके हट यार ये तो स्टोन हो गए, सही इसे तोड़ लेता हूँ, रिपेयर कर दूंगा वो एनविल बना के रिपेयर मार दूंगा। स्टोन तो जब ले ही रहा हूँ तो थोड़ा ले ही लेते जाता करके, यूज़ भी हो जाएगा काम भी। मतलब क्या बोले यार, मैं यदि उधर जाता ना, उधर हिम्मत करके जाता तो आराम से मेरे को ये मिल जाता। बट मेरे को थोड़ा इंचेंटमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो अपग्रेडेशन चाहिए, लाइक आर्टिफैक्ट हो गया तो वही बात है। बट ओके कोल कोल इधर से भी कोल मिल जाएगा मेरे को, ये देखो इधर से भी मेरे को कोल मिल जाएगा। टेक्सचर सही किया है जितना भी। ओके ओके
ओके कॉल मिल गया, ओके साइड भी गया भाई। बता घर के लिए जो टॉर्च चाहिए वो बहुत सारा बन जाएगा, ऐसा सीन है। टॉर्च के लिए भाई बहुत सारा टॉर्च हो जाएगा। नीचे भी है थोड़ा सा, और भाई मैंने बस मतलब बस क्या किया ना, ऐसे ही मतलब सोचा चलो लगा देते, मतलब माइंड कर लेते हैं। मैंने बस ऐसे ही माइंड किया भाई, सीरियसली इतना तगड़ा केव मिल गया, आई डोंट एक्सपेक्टेड। इससे कभी हो सकता था किसी के साथ, बहुत रेयरली चांस है भाई। तुम लोग स्ट्रेट डाउन करोगे तो मतलब एक डायरेक्ट माइन में, नहीं तो कहीं पर बड़ी से रविन में, नहीं तो कहीं पर भी तो खुलेगा, ऐसा चांस नहीं होता भाई किसी का। मेरे को वो पता नहीं मैंने डायमंड लिया किधर से था, वो भी बात है। अच्छा मैंने ये चारकोल कैसे बना सकता हूँ भाई, चारकोल बनाना सीखना पड़ेगा। ओके मैंने इधर का ये जितना, अच्छा चलो उधर थोड़ा एक्सप्लोर करके आते हैं अभी, तो थोड़ा सा चलते हैं ना तब भी डैमेज लेता। ओके अब स्केली किधर है, दिख भी नहीं, नहीं नो स्केली इन दिस एरिया। अरे गोल्ड है, गोल्ड गोल्ड। अच्छा नहीं आपका निशाना तो बहुत घटिया निशाना, अरे नहीं आपका निशाना बहुत घटिया है सर जी, थोड़ा सा अच्छा निशाना करो भाई। कौन भाई आप, कौन कहाँ से आए हो सर जी, जरा आपका नाम तो बताओ। मेरे पास वाला बो नहीं है, नहीं तो इतना गंदा वाला मारता ना बंदे को, मतलब क्या बोलता, बहुत गंदा वाला मैं मारूंगा। रुक तेरे पास ही आ रहा हूँ, अच्छा बस एक मिनट रुक। अरे इधर से पानी अब कहाँ से आ गया, अबे यार ये पानी किधर से आ रहा है सच्ची, ये पानी को तो बंद करना पड़ेगा नहीं तो ये पानी मेरे को उठा लेगा। ओके गाइस फाइनली वाटर, अबे वाटर बंद नहीं हुआ। ओके चलो जी अभी अपन उस स्केली के पास जाएंगे, पहले ये गोल्ड माइन कर लिया। अच्छा स्केली का लोकेशन देखते साइड में है ना, ओके I am coming Skelly. Skelly तेरी माँ का कर लगाऊंगा। रुक। किधर है बे? दिखाई भी नहीं दे रहा। तो पहले खा लेता हूँ। अरे दिखाई भी नहीं दे रहा, किधर है? एक मिनट। साले इधर नूबड़ा है, बट अंदर जाके पार्टी कर, इधर मेरा दिमाग मत मार खाएगा। अरे कहाँ गिर गया बे? अरे शर्म नहीं आती क्या बे? उधर बैठा है, छोड़ो तो मैं निकालता हूँ इधर से, ये इधर इस केव में बाद में आके सबकी देख लूंगा। बट ओके गाइस बहुत कुछ तो मिल चुका है अपन लोग, चलो जी अभी ऊपर चलते हैं अपन। ओके ओके अरे यार ऊपर नहीं जा सकता, अभी रात हो चुकी है। हट वही मिस्टर इधर का एक ये है, रात हो चुकी है भाई अभी अपन नहीं जा सकते। जब तब तक के लिए अपन देखते हैं ऊपर क्या है, ऊपर कुछ है। एक मिनट
इधर एक और सुरंग है क्या? अच्छा, ऊपर जाने का भी एक एक रास्ता है। हाँ हाँ एक एक है, एक है। अरे आज तो कोल का तो पार्टी मांगता है भाई। कोल से आज पार्टी करेंगे अपन गाइस, सीरियसली बोल रहा हूँ, कोल से पार्टी होगा आज। बहुत कोल है इधर, पर डायमंड नहीं है। नहीं इधर तो खत्म हो रहा है। कितना कोल है? 2 स्टैक कोल है ना। एक माइनिंग कर ले, बड़ी बात तो हुई है ना। अभी तो रात हो रही है। हाँ रात है, अभी सुबह भी नहीं होगा। नहीं पता नहीं गाइस क्या करें। तो चलो ऐसे काम करते, तब तक के लिए अपन सुबह होने का वेट करते, जब सुबह नहीं होता। ओह सुबह सुबह, ओ भाई अबे दिन ही तो है, रात की तरह। चलो ऊपर चलते। चलो गाइस ऊपर जाने के बाद मिलते हैं। तो चलो गाइस फाइनली सुबह हो चुका है। मैंने बहुत देर तक इधर एफ के गया। अभी गाइस फाइनली सुबह। अबे कौन है, मेरा इंतजार कौन कर रहा है सर जी? बस गिर ना जाओ, इसके लिए सेफ्टी एक लगा दिया। ओके गाइस चलो ऊपर आ चुके। ओके जस्ट सुबह हो रहा है, जस्ट अभी भी प्रॉपरली सुबह नहीं हुआ है। अबे यार क्या नूरा चीज है। ओके डैमेज तो ऑलरेडी लेगा। निकल निकल। अरे खुद है। अरे क्या भाई सही है। मैं इधर एक मार्क बना के चला जाता हूँ, जिससे मेरे को पता चल जाए कि हाँ इधर कुछ तो था। मरे ये मरने मरने से बचा था। रोक इतना हाइट आई थिंक्स काफी है। चलो अपन अभी अपने घर चलते हैं। आई ना पीछे वो मकड़ी आ रहा है, बट क्या करे, टट्टी चीज है वो, उसकी बात ही तो मत करो सर जी। ओके मेरा हेल्पफुल नहीं हो रहा जितना देख रहा, जितना होना चाहिए उतना जल्दी हो नहीं रहा, बट ओके फाइनली घर अपन आ चुके हैं। और बाकी तो अपन चीजें स्मेल्ट करने को देंगे और बाकी का बात करेंगे। ओके हाँ थोड़ा भी लैग होगा बिकॉज थोड़ा सा मतलब लोडिंग ले रहा है इस साइड का। इतना गंदा एफपीएस ड्रॉप मारेगा ये। हाँ 22 जंग में वैसे ही चल रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत प्रेशर है फोन का। प्लस रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके फनेस कहाँ है, स्मेल्ट हो जाओ। ये जाएगा। ओ अबे सही है, मैं तो यही चेक करना चाहता था, मतलब इसमें होता कैसा है एक्चुअल में। 64 43 जा, तू भी आयरन स्मेल्ट में जा। ए, इसको इसमें दे देता हूँ, क्या बोलते, नहीं ये तो नहीं होगा। हाँ ये पॉक शॉप में चला जा अभिन। चलो देख सकते हो जिसमें इसमें नंबर चल रहा है, लाइक चलेगा क्या, डिजाइनिंग है गाइस। तो आप ही गाइस हम लोग आज के वीडियो का फाइनल पहले पार्ट में गाइस अभी हम लोग एंटर हो चुके, जिसमें हम लोग ये जो ये डेकोरेशन करने वाले, ठीक है पूरा पूरा डेकोरेशन होगा। और ये जो इसका है, ये जो पूरा इंटीरियर अभी गाइस पूरा कवर होने वाला है इसी वीडियो में। आई नो वापस से वीडियो लंबा होने वाली है, बट क्या कर सकते सर जी, आप इसमें कुछ नहीं कर सकता।
बट ओके गाइस, तो पहले ये फोन अपना काम करेगा, जो इधर का चीज है इसको फेंकेगा, वो जो काम की चीज है वो फेंकेंगे अपन। बेसिकली ये जाएगा और ब्रिंगस्टन को हम बैठा देते हैं, ठीक है। और ये स्लाइम ब्लॉक, पिकैक्स, ये पिकैक्स, ये भी पिकैक्स, सब सब नहीं, स्वॉर्ड वो जाने दो, बाद में कलेक्ट कर लेंगे आप। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी जाएगा। भी निकल, हाँ ये रहेगा, ये भी, और बाकी बाकी और क्या क्या रहेगा। अरे ये वापस क्यों आ गया? ओके और क्या, और आई थिंक अभी कुछ नहीं है। ब्रिंगस्टर को बैठा देते हैं और बाकी ये चीज़ देखा जाएगा। ये ब्रिंगस्टर के नहीं लगा था, चलेगा। और ये तो स्मेल्ट हो रहा है, स्मेल्ट होने दो। और खाना आप लोग का बन चुका है, ये भी बन चुका है। अच्छा ये गोल्ड नगेट है, मैं ये सोच रहा था ये क्या, मतलब पीला पीला है। ओके गाइस, और ये तो अपन उधर, एक मिनट एक मिनट, इसको कैसे बनाना पड़ता है, एक मिनट। क्या वो क्या चीज था बता गाइस, सब हम भूल चुके, रुको। सैडल है क्या? हाँ, इसको बनाने के लिए मेरे को चाहिए एक, ये बनाने के लिए ये चाहिए। सीरियसली बीच में स्लाइम बोल रहा क्या काम? बट ओके, तो चलो गाइस तब तक के लिए वो स्मेल्ट हो रहा है, और आप यहाँ पर गाइस अपना बाकी का काम करेंगे। चलो गाइस, तो ओके गाइस फाइनली अपन इधर आ चुके। क्या साउंड हो रहा है पता नहीं। अच्छा पीछे गाना चल रहा है, अभी माइंड पर गाना चलते रहेगा, वैसा कोई बात तो नहीं है। बट ओके गाइस, अभी रात हो चुका है और मेरे को भाई बहुत सारा अभी काम करना बाकी है, बिकॉज कल हम लोग पता ही है माइंड में गए थे, तो आयरन की भी ज़रूरत है, बहुत कुछ भी ज़रूरत है। तो पहले अपन सोच रहे बहुत सारे टॉर्चेस बना लेते। अबे मैंने बेफालतू कोल को यूज़ किया ना, अच्छा मेरे पास थोड़ा तो बहुत कोल हो जाएगा। हाँ नहीं इतना सा चाहिए, इतना ठीक है, 37। और मैं इधर से प्लैंक से ही कर लेता हूँ ना, चलो 48। अच्छा 48 हो चुके ऑलमोस्ट। ओके इधर एक स्टिक लगा दिया, अभी तो ऊपर से भी कवर होने वाला है तो उसके लिए भी चाहिए होगा। भाई क्या अच्छा साउंड आ रहा है भाई, इधर से साउंड आ रहा है। मेरा ये रही है भाई, मैंने शॉट नहीं लाया। मर जा मर जा मर जा। अरे मर क्यों नहीं रहा? मर जा मर जा मर जा मर जा मर जा मर जा मर जा। शॉट 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 अबे यार, शॉट किधर है? Where is the sword, brother? अब पहले सो जाते हैं भाई, बंदे नहीं तो आ जाएंगे फिर मेरी गन फाड़ देंगे भाई। सो जाओ। ओके द गुड मॉर्निंग एवरीवन, वापस से हो चुकी है नई सुबह और मैंने शॉट खा रख दिया था। ये रहा, मैं तो भूल ही गया था जो शॉट चाहिए। ओके सर जी, चलो वापस से कुछ खा लेते हैं। अरे ज़ॉम्बी के बच्चे इतना स्पॉन हो गया, द लाइट्स की अभी बहुत जरूरत है। पीछे सॉन्ग क्यों चल रहा है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड ओके गाइस, अच्छा तो वाह वो का बैकग्राउंड सॉन्ग में काम आ जाएगा। तो अभी मेरे को ना बहुत सारे फिट्स का ये स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा।
नेक्स्ट जाएगा और एक स्ट्रक्चर इधर। ये बीच बीच पे गाना इतना तेज हो जाता था ना भाई, क्या बताऊं। एक इधर है, ये एक इधर और ये एक इधर। ओके नाउ दिस इज रेडी। एक पहले ऊपर चलो। को अभी भी एक चीज करना बाकी रह गया, मैं तुमको बोलता हूँ क्या करना। उसको एक बोर्ड चाहिए और एक आई थिंक मेरे पास बोर्ड ये रहा, एक बोर्ड रहेगा और थोड़े से प्लैंक्स आई थिंक किधर है प्लैंक्स हाँ इतने में आई थिंक हो जाएगा 24। ओके हाँ 20 में तो काम बन जाना चाहिए, इतना मेरे को पता है, जितना मेरे को पता है गाइस हो तो जाएगा। क्या रखते हैं इधर अपन आ गए, मतलब इधर एक बोर्ड के लिए सही चीज है। अब एक मिनट इधर से जाएंगे भाई, ये शील्ड का भी मतलब ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मैंने कभी नोटिस नहीं किया, मैंने अभी नोटिस किया। चलो जी एक इधर से हो गया और एक उधर से जाएगा भाई, इधर का भी ये चेंज हो सका। अच्छा ये ग्रेविल है, ओके बट ओके कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले मैं इधर एक ब्रिज बना दूंगा जाने के लिए। ओके इस साइड थोड़ा सा डेकोरेशन मांगता है सर जी। अच्छा मेरे को बहुत सारे सामान वोड लाना पड़ेगा। अच्छा एक काम करते हैं गाइस, अभी तो बेसिकली एक काम करते हैं, पहले ऊपर का जो घर का वो चीज़ है वो कंप्लीट कर लेते हैं ना सर जी, बिकॉज अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा और अभी तो दोपहर होने वाली है। चलो कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो भागेंगे इधर से। चलो जी पहले अपन घर के लिए ना ये ऊपर के लिए करीब बहुत सही है, मैं इधर ये लगा दूंगा। ओके तो अभी एक काम करते हैं, कॉम्पोस्ट अंडर रखते हैं, तू भी अंदर आ जा, ये भी आ जाते हैं, ये क्राफ्टिंग टेबल मेरे साथ रहेगा, ये भी आ जा, इसको भी छोड़ देते हैं, ये भी स्टे, ये रहेगा टॉर्च, खाने का सामान चाहिए, ये पता नहीं किस काम का है, वाटर बकेट हाँ चाहिए। ओके एक डॉट कैरी करते हैं और बाकी बात करें, मेरे को चाहिए एक्स, ठीक है स्टोन स्वॉर्ड नहीं चाहिए मेरे को, मेरे को चाहिए एक्स ना। एक काम करते हैं, आयरन तो मेरे पास बहुत है तो मैं एक बना ही लेता हूँ ना, एक्स आयरन एक्स। ओके दो मेरे लिए काफ़ी होंगे। चलो जी आप ना भी जाएंगे, बिकॉज मेरे पास आयरन बहुत था तो मेरे को कोई कमी नहीं होगा आई थिंक। चलो जी नीचे चलते हैं, इधर से आ गए और इधर ना मैं अपने बगीचे में जो है ना इसको पूरा एक एरिया बॉर्डर करने वाले, बिकॉज अपन इसको पूरा एरिया को काटने वाले हैं सीरियसली बोलूँ तो। एक इधर लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। चलो जी ख़त्म, अभी अपन जाएंगे पूरे जमाना भाई उनको भी जो बचा है वो सब काट के लाएंगे। आई नो रात बहुत हो जाएगा बट ओके भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मर जाएंगे वापस से स्पॉन हो लेंगे और क्या, अब तक तो बंदे मर ही जाएंगे ना सर जी। हाँ ना बस कॉर्नियर्स हमेशा भूल जाता हूँ मैं, अपना कॉर्नियर्स को ना किसी के ऊपर नेम टैग कर नेम चेंज कर दूँगा, एक एनबिल बनाना पड़ेगा और फिर देखता हूँ नेम चेंज मैं उसको कर दूँगा, बिकॉज मैं भूल जाता हूँ हमेशा। बट ओके जी चलो अभी सामने चलते ही, बिकॉज सबको ये जो क्या कहते हैं ना उसे जितने भी सामने ये जो पेड़ दिख रहा है ये एक्स से माइन करना है सर जी, ये भी सही है, इसे थोड़ा जल्दी होगा डायमंड का और भी जल्दी। चलो जी तो चलो गाइस अभी पेड़ काटने के बाद मिलते हैं, बिकॉज अभी इधर से बहुत टाइम लगेगा ना इसीलिए। तो चलो गाइस, तो ओके गाइस अपन उधर से आ चुके थे, रात हो गया था इसीलिए, बट आई थिंक मेरे पास बहुत वुड है कि मैं ऊपर का घर बना सकूं। ओके तो लेट्स मेक, ओके अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं, आई थिंक इतने प्लैंक्स तो काफ़ी होंगे सर जी आई थिंक। ओके लेट्स ट्राई,
ऊपर बैकअप रहेगा बट ओके। अपन अभी डट से ऊपर जाएंगे अपन। साइड में मकड़ी किधर से? अच्छा मकड़ी तो ये नहीं करता ना। ओके तो ये गाइस ये पूरा कवर तो होने वाला है, तो लेट्स सी गाइस कितने घंटे में ये कंप्लीट होता है। तो तब तक के लिए गाइस भाई अभी मतलब इसको करके अपन मिलते हैं। ओके गाइस तो ओके गाइस इतना तो कंप्लीट हो चुका है और बस थोड़ा ही बाकी है, थोड़ा भी अपन करते जाएंगे। बट मेरे को एक बात बताओ सावन भाई, हमको तो हर एक का जो चीज़ है वो तो ख़त्म हो चुका है, अपन अभी लाएंगे किधर से? बस ये सामने का जो बायो में बस इसमें ज़्यादातर पेड़ अभी के लिए तो अवेलेबल है, बाकी तो सबकी मतलब एल लग चुका है। अब ये तो भी देखना कि सर सोचने वाली बात है। बट ओके इधर तो अपन लोग का बेड है, तो चलो जी इधर से कूदते। ओ क्या डार्क हो चुका है भाई, मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट किया तो फिर इधर आ जाएंगे। पता ही है कौन की किसकी बात कर रहा हूँ। ओके जल्दी जल्दी दो, और ये तो काटना पड़ेगा और तो तोड़ना पड़ेगा जो भी है। तो ये तो मेहमान आ जाएंगे जल्दी जल्दी, इसीलिए पहले करना पड़ेगा ये काम। टॉर्च कर पहले इसको, बाद में डेकोरेशन करेंगे ना, वो बात है। ओके ऑल सेट। ओके आप ये रोज को मतलब रोज रात को ऐसे नीचे ये तो नहीं करना पड़ेगा, इधर ना ये कर दूंगा मैं वो लैंटर्न। अच्छा लैंटर्न बनाने के लिए क्या चाहिए वो हम भी देखें। अच्छा फोन इधर भी कर देते ना। चलो सर जी एकदम फर्स्ट क्लास है, ऐसे इधर का वो जो सीन है वो तो नहीं होगा। एक इधर लगेगा, जहाँ जहाँ डार्क के बस लगा दो, जैसे कोई ये ना हो, जैसे नीचे हो रहा है अभी। बट ओके इधर एक, इधर एक, ओके ओके इधर एक, इधर इधर और इधर। लो आप भी सही है ना, ऊपर जाने के लिए वापस स्टीयर्स, स्टीयर्स ना अपन कर देंगे। बट ये ऊपर इसके ऊपर तो जॉम्बी हम्बी आ चुका है, वो तो गारंटी पता है।
वो जॉम्बी को अपन देख लेगा, उतना टेंशन की बात नहीं है। सुबह तो चल जाएंगे ना, सबसे बड़ी बात है। ओके अरे ओके लग गया। चलो जी सो जाते हैं अभी के लिए। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऊपर सभी लोग चल रहे हैं और मेरे को वापस जाना है काम में, मतलब पेड़ काटने के लिए। अभी तो पेड़ भी बचा नहीं है साल, पता नहीं बटा, लेट्स सी देखते हैं। चलो गाइस अभी आप लोग जाएंगे पेड़ काटने के लिए, उससे पहले थोड़ा खाना खा लेते हैं। अभी ऊपर का भी फ्लोर बनाना होगा, पता नहीं ऊपर का फ्लोर किस लिए बनाएंगे, बट ओके। चलो जी नीचे का तो बहुत डेंजरस हाल है। ए भाई तुम मर जा। क्या तेज है। आयरन मिल गया एक, बहुत रेयर होता है। तो रेयर नहीं, उससे ड्रॉप ऑलरेडी होता है, अच्छी बात है। आयरन ड्रॉप होता है, आयरन इंगेट बहुत काम का चीज़ है, बट कोई लॉजिक कोई सेंस नहीं बनता। माइनक्राफ्ट में लॉजिक कहाँ काम करता है तुम बताओगे मेरे को सर जी? बस सैंड में काम करता है और कहीं पर लॉजिक काम नहीं करता। निकाल सब, पीसी में इजी होता है। इसे मेंडिंग फेंडिंग सब लगाना पड़ेगा, इंचेंटेड टेबल सब देखेंगे। अरे अरे इसको खोद डालेगा, कुछ नहीं बचेगा। ऐसे करना है, पूरा खोद डालेगा। सामने डेजर्ट बायो में, जिस बायो में कुछ अभी के लिए नहीं मिलेगा। मैंने उस बायो को मतलब क्या बोलूँ, ये करके रखा है मैंने। ओके तो चलो जी अभी इस साइड का पेड़ काटना बाकी है बस। आई थिंक यही लास्ट कुछ पेड़ आई थिंक बचे होंगे ना। मैं सोच रहा हूँ एक ही बार में पेड़ काट के इधर से निकालता है। चलो गाइस पहले पहले इस एज जितने पेड़ है बस पहले काट लेते हैं। तो गाइस फाइनली बहुत कुछ करने के बाद इतना मेरे को सब कुछ मिला है, बट मेरे को एक चीज़ अभी समझ नहीं आ रहा। अब मैं पेड़ कहाँ से लाऊं सामान वाम का, बिकॉज मैंने इधर का सारे चीज़ें सब मैंने काट दिया। अब यार कुछ बचा ही नहीं है, ये बोले तो बस थोड़ा सा इधर उधर बचा है, वो भी मतलब कुछ मतलब दिन बाद वो भी चला जाएगा, तो अब पता नहीं क्या होगा, बट हाँ लेट्स सी देखते भाई क्या होता है। तो चलो गाइस मैं घर जाने के बाद मिलता हूँ। फाइनली गाइस घर में आ चुके हैं अपन, तो चलो जी शुरू करते काम। अभी जो अभी हाफ थोड़ा बचा हुआ है, मतलब कल सुबह, ठीक है अभी नहीं, अभी चलो गाइस हो जाते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइस अभी आप लोग शुरू करने वाले हैं इस चीज़ को। चलो गाइस अभी रेडी होते हैं, पहले क्राफ्टिंग करना पड़ेगा। तो ओके गाइस चलो क्राफ्टिंग टेबल आ चुके हैं और अभी इसका काम शुरू करते हैं। अरे भाई 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 बहुत जल्दी हो गया, और इसको फेंक देते हैं। ओके इतना काफ़ी होगा। ओके गाइस चलो, हाँ इतना गाइस काफ़ी है। ओके हाँ इधर से, और अपन एंट्रेंस उधर से बनाएंगे। ओके तो चलो जी पहले अपन काम शुरू करते हैं। तो चलो गाइस ये पूरा होने के बाद आप लोग मिलते हैं। तो गाइस फाइनली इतने टाइम बाद फाइनली ये लास्ट ब्लॉक लग गया। गाइस फाइनली ये कंप्लीटेड हो चुका है गाइस फाइनली। ओपी ये क्या चीज़ है, इसको पहले अपन काट देते मतलब तोड़ देते जो भी कहते हैं।
ओके चलो तो गाइस फाइनली डन, अभी ऊपर का साइड और अभी एक और फ्लोर होगा, बट तब तक के लिए अपन इसको छत टाइप का यूज़ करेंगे सर जी, और उसके बाद अपन देखेंगे, बिकॉज अभी अपन लोग को एक बैरियर करना होगा, बिकॉज इसके नेक्स्ट एपिसोड में गाइस अपन लोग बैरियर करने वाले इस जगह को, मतलब एक इस जगह को इसी एपिसोड में बैरियर करेंगे, ठीक है, और फिर देखा जाएगा। चलो जी अभी नीचे चलते हैं अपन, ऊपर से अटके नीचे में अटके। चलो गाइस फाइनली आपको उस जगह पर नहीं तो सोना पड़ेगा ना, ये कवर तो हो चुका है, जिससे अभी ना जोम्बी और ना इसका कुछ ये रहेगा इतना कुछ। हाँ ये ऊपर के लिए देखिए लैंटन कितने का, मतलब क्या बोलते हैं कितना लैंटन लगेगा मेरे को एग्जैक्ट, एक मिनट लैंटन बनाने के लिए चाहिए क्या लैंटन ना, वही कहते हैं ना इसको, मेरे को पता नहीं, एक मिनट देखने दो। अरे ये क्या है, अच्छा रियल्स है, बट ओके देखा जाएगा गाइस अभी तो नहीं, बाद में बनाएंगे जब रेसिपी अनलॉक होगा। अच्छा चलो इतना तो अपन लोग के लिए काफ़ी है। हाँ गाइस फाइनली, और ये इसका भी मतलब मैं कुछ सीन करता हूँ और इधर का भी करेंगे, ठीक है। अच्छा तो बेसिकली देखो अभी तो ये बन चुका है, बट इधर का जो इधर से अपन लोग को जाना होगा, मतलब ऊपर जाने के लिए एक रास्ता तो बना लेंगे ना, तो बेसिकली मैं सोच रहा हूँ मतलब किस साइड बनाया जाए, मैं लेफ्ट में सोच रहा हूँ, लेफ्ट में सोचेंगे, लेफ्ट नहीं राइट को करते हैं, राइट को कैसे करेंगे, राइट को देखो जिस तरह की करेंगे उस तरह की सेम ही होगा, बट देखा जाएगा। 64 इनाफ है भाई, अबे कितना बन गया, इतना चाहिए भी नहीं मेरे को, अबे यार कितना बन गया, अबे इधर से, हाँ इधर से अपन शुरू कर सकते हैं, ऐसे होगा ओके। ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं वापस से वही सेम आ रहा है, मेरे को एकदम ऐसे मतलब इधर से बनाना पड़ेगा। ओके वही इधर से आई तो आएगा ही तो नहीं, नहीं ये परफेक्ट है, हाँ 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 ये परफेक्टेड है, ओके ओके ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, चलो जी ये परफेक्ट है, वो वाला सही नहीं था, ओके जी ये परफेक्टेड है, काम हो जाएगा इस, इससे काम हो जाएगा। बाहर बारिश नहीं, बाहर तो बारिश नहीं हो रही, मतलब आसमान है ना ऐसा सीन होकर रखा जैसे बाहर बारिश हो रहा है, बिकॉज इतना मतलब बादल है भाई, मतलब क्या बोल सकते सर जी। चलो इसको भी काट देते हैं, इसको भी लगा देते हैं और ये भी काट देते हैं, ओके इधर से आराम से हो जाएगा। चलो जी हाँ इधर से ना गाइस आराम से ये बन जाएगा स्टेयर्स, ओके इसका भी मेरे पास अभी इतना वुड है कि मैं ये कर सकता हूँ, क्या बोलते हैं ओके ना फेंस बना सकता, बिकॉज मेरे को फेंस चाहिए ना, भाई ऊपर पूरा मतलब हालत खराब है, अभी नीचे चलते भाई, ये मतलब ऊपर से नहीं तो बंदे आ जाएंगे वापस से, देखो मार तो दूंगा, अभी ये क्या है ना मतलब क्या बोले, ये ओल्ड का हाउस है इसीलिए तो ओके गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन, वापस से हो चुके हैं नाइस सुबह, अपन काम करेंगे जल्दी जल्दी, बिकॉज क्या बोले कुछ बोलने का ही है नहीं, ओके पहले काम करते हैं आप, ओके 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 फेंस मेरे को बहुत सारा बनाना होगा,
ओके हाँ, अभी अभी का ही सही है। नीचे इधर अपन चेस्ट डाल देंगे, चेस्ट में काम हो जाएगा, बहुत सारे चेस्ट रहेंगे। और एक है इधर, हाँ बस ख़त्म, अब सही है। और इधर का वो सीन कर देते हैं आप, और इधर अपन लगा देते हैं वो जो क्या बोलते हैं फेंस लगाएंगे, बट थोड़ा बाकी भूख। तोरो मात गया, खत्म। क्या कर रहा है इधर इधर, क्या ये नहीं है क्या? मतलब थोड़ा सा भी डार्क हुआ ये? नहीं भाई, स्क्रीपर भाई आना शुरू हो जाते हैं भाई। अब स्पॉन पॉइंट में यदि ये क्रीपर आके फूट गया ना तो मेरा ये लग जाएगा, बिकॉज 3000 अभी मतलब ये है तो स्पॉन पॉइंट से बहुत दूर है आप, अबे जाने में बहुत टाइम लगेगा भाई, सीरियसली बोल रहा। अरे मैं करना काया गया था भाई, मेरे को पहले ये तो करना होगा। अच्छा हुआ मैंने उसको मार दिया, नहीं तो दिक्कत हो जाता सर जी। क्या बोलते ये करते भाई, एक ही बार में 64, हाँ उतना ही मेरे को चाहिए, इतना काफ़ी है मेरे लिए। बाकी तो अपन प्लैंक्स तो है, तो देखो अपन चाहते हैं ऐसे बनाएंगे, ऐसे तो नहीं है। देखो मैं तुमको बोल देता, मतलब इतना रहेगा, ये देखो इतना, ओके तुम लोग का भी समझ आ चुका है। मतलब ये जो चीज़ है मैं इसको पूरा कवर करने वाला इस साइड से, और उसके अंदर मिडिल में मैं टॉर्च घुसा दूंगा। तो बिकॉज देखो भाई कोल तो बहुत है, और अंधाधुंध भाई कोल माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में तो ऑब्वियसली मिल ही जाता है, तो फिर और क्या चाहिए भाई। माइनक्राफ्ट का वही टोन भाई, वो ये सही लगता है। एक मिनट, ये जो गाना है ना भाई मेरे को बहुत ओपी लगता है माइनक्राफ्ट का, और बोले तो ये सबका फेवरेट सॉन्ग है जितना भी हो। हाँ मजा आता है भाई सुन के। बट ओके चलो जी, आई थिंक ये काम हो चुका है। हाँ ओके डन, बस इसको तोड़ना बाकी रह चुका, मैं भी इसको तोड़ देता। चलो जी डन हो चुका है। अभी इधर से मेरे को एक दरवाज़ा बनाना होगा, जो मैं एक आयरन डोर बना लूँगा, बिकॉज पता ही है इधर क्या हो सकता है, तुम लोग को बहुत अच्छे से पता है क्या होगा। अच्छा रुको, पहले मैं सोच रहा पहले घर को बना लेता हूँ, मतलब ये जो ऊपर का जो चीज़ है उसको बनाने के लिए मैं सोच रहा हूँ ये इसका नहीं, इस प्लैंक का फोन यूज़ करेंगे। ये 64 लाया हूँ, अब काम आएगा ये। ओ भाई माइनक्राफ्ट का सॉन्ग, ओके इधर से ये, मेरे को ये थोड़ा बड़ा नहीं लग रहा क्या? मतलब ओके अच्छा तुम लोग को अभी पता चल रहा होगा कि ये बीच बीच में कुछ कुछ अचीवमेंट हो सकते हैं, वो आता क्यों नहीं भाई? मेरा ज़्यादातर अचीवमेंट्स कंप्लीटेड है, अब इसमें मैं क्या कर सकता, यदि अचीवमेंट्स ना आए तो उसमें मेरा क्या गलती है? बिकॉज बहुत सारे बंदे कमेंट से बोलते हैं भाई तेरा अचीवमेंट नहीं आ रहा तो इसमें खेलता है। अरे यदि मेरा ये अचीवमेंट सब कंप्लीट रहता है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो कुछ दोस्त तो नहीं है ना। ओके इधर से ये कर दिया, अभी इससे तुम लोग को आइडिया लग चुका होगा मतलब कैसा कुछ होने वाला है, बहुत इजी है। ओके ओ फॉल डैमेज नहीं खाया, नहीं तो ये तो थोड़ी थोड़ी देर में ही फॉल डैमेज खाता रहता है ना, इसीलिए मैंने सोचा ये फॉल डैमेज क्यों नहीं लिया।
ओके 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 ऐसे पार्कूर जैसे कर रहा हूँ भाई सीरियसली। इधर का ना मैं थोड़ा विंडो टाइप का मैं कर दूंगा, बिकॉज क्या ना यदि मैंने पूरा डार्क कर दिया तो फिर पता ये क्या होने वाला है, मेरे को कुछ बोलने को नहीं है। यदि मैं इसको विंडो टाइप मैंने ओपन नहीं किया तो पता ये क्या होने वाला है। बट ओके इधर बेसिकली दो ये रहेंगे, ये भी इसको भी कवर कर देते हैं अपन। और हाँ इतना ठीक ठाक है। अभी मेरे को एक डोर बनाना है जिससे मेरे को आयरन से मिलेगा। चलो जी आयरन, वेयर इज द आयरन ब्रदर? मैंने इस स्टॉप में, हाँ चलो 42 आयरन है। ओ अभी ऐसे होता है, मतलब माइनक्राफ्ट बहुत चेंज हो चुका है सीरियसली बोलूँ तो। ओके अभी मेरे को एक डोर बनाना है। व्हाइट बीट पे लेके क्या करूँगा? 21 डोर, 3 डोर हो गए। देखो डोर का टेक्सचर इधर अलग है, ठीक है, अब मैं जब लगाऊंगा इसका टेक्सचर अलग हो जाएगा, देखा वैसा सीन है। इसको भी सेम कर देते हैं ना, एक इधर लग जाएगा। वाह मोदी जी। ओके अभी इधर प्रेशर प्लेट होगा और अभी बहुत सारे विंडो बनाने होंगे, मैं दिखाता हूँ कौन कहाँ कहाँ विंडो होगा। एक इधर एक विंडो होगा, इधर दो होंगे और इधर से एक दो तीन, इधर से 3 विंडो जाएंगे, नहीं इधर एक विंडो आएगा और बीच का ये बंद होगा, नहीं ये बीच, अच्छा इधर का भी छोड़ देते हैं आप, ठीक है। इधर एक विंडो, इधर एक और इस साइड भी एक, इस साइड का थोड़ा बड़ा रखते क्या कहते हो? हाँ जिससे थोड़ा सा स्पेस बरकरार रहे। और इधर एक दोस्त टाइप का, चलो जी ये तो टूट गया मेरा। और ओके चलो अभी आप लोग को बहुत सारे सैंड मैंने आई थिंक उसके अंदर ड्रॉप करके रखा है, बस सैंड के लिए तो भाई रिजल्ट पता है ना, तो टेंशन किस बात का। सैंड सैंड सैंड, मैं इधर क्यों ढूंढ रहा हूँ, इधर ढूंढना चाहिए मेरे को। अरे कहाँ है भाई सैंड? हाँ मिल गया, चलो जी 64 इनफ होगा। तो अभी बस थोड़ा वेट करना है, तब तक के लिए सैंड बनने दो, मतलब मेरे को उधर कितने ग्लास चाहिए मेरे को एक बार देख ले दो, उतने ग्लास में हो जाना चाहिए जेरे को जितना पता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 ग्लास में काम हो जाएगा, इधर भी 13। बट ओके गाइस 13 ग्लास में गाइस काम हो जाएगा फाइनली। देखते हैं 2 ग्लास अभी बने हैं, मतलब अभी बहुत टाइम लगेगा। तो अब बेसिकली देखो अब इसके अंदर ना विंडो तो बेसिकली बनेगा भी, और उसके ऊपर भी आप लोग डेकोरेशन करने वाले हैं। ये मैंने किस लिए रखा, जब तक वो हो रहा तब तक मैं इधर ऊपर जाकर डेकोरेशन कर देता हूँ ना। अच्छा यार प्रेशर प्लेट भी बनाना पड़ेगा, मैं भी भूल गया प्रेशर प्लेट बना ही देता हूँ, बिकॉज क्या कर सकते हैं ज़ॉम्बी आएगा तो फिर मेरा एल लग जाएगा ना। एक प्रेशर प्लेट और एक लीवर, ये देखो 2 प्रेशर प्लेट बन गया और एक स्टिक लीवर। कॉबल स्टोन चाहिए, कॉबल चलो जी बस टिक्का ये चेंज नहीं हुआ। ओके ये एक लग गया, है ये सही है तो
अब यह बहुत गलत आइडिया है, पता इतने सोचा ही नहीं है, वो तो बंद ही नहीं होगा। चलो ओके जी, कल देखा जाएगा। चलो जी, पहले आप सो जाते फिर कल देखते। भाई ऐसा तो नहीं होगा ना सर जी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, पापा से हो चुके एकदम नई सुबह, तो मेरे को पापा से प्रेशर प्लेट बनाना पड़ेगा। अरे उससे तो अच्छे नहीं बनाते सर जी, बट हाँ लीवर किसी काम के तो आ जाएगा बाद में। एक जो आयरन है और एक प्रेशर प्लेट। चलो जी, पापा से दो प्रेशर, मैं तो भूल ही गया, बट ओके जी कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा पिकैक्स, और अपन इधर लगा देंगे दो लीवर। हो गया तो चलो, ओए ओए चलो जी अभी देखते हैं क्या वो मतलब बना है कि नहीं। तो चलो जी गाइस, अभी अपन लोग ये आई थिंक हो चुका है ना। चलो 25 ग्लास बन चुका है भाई, इनाफ है भाई, 25 ग्लास बन चुका है। अभी ये ग्लास का भी टेक्सचर मतलब चेंज हो चुका है। अरे ये अच्छा हुआ, नहीं तो क्या ना वो ग्लास था कैसा दिखता था। चलो जी, इसका भी हो गया। जब ये भी हो चुका इसको भी कर देते ना, चौड़ ही तो ग्लास का सवाल है, इतना हो नहीं करेगा। और ये भी और इधर एक बड़ा सावाला। चलो जी कंप्लीटेड। अभी इधर का ऐसा सीन है, अच्छा इधर का भी वो थोड़ा सा कर देते हैं, जब ग्लास तो बहुत है। ये भी कर दिया और इधर का ये भी। चलो जी अभी सही है, अभी आप लोग को ऊपर जाना है, ठीक है। अभी ऊपर जाके ये जो चीज़ है इसको लगा देना। तो ओके गाइस, फाइनली अपन लोग का जो बनना था गाइस वो बन चुका है, फाइनल प्रोडक्ट रेडी कह सकते हो। बस इधर का ये तोड़ना बाकी है, मैं इसको स्वार्थ ही तोड़ लेता हूँ, उतना कौन ये करेगा। बिकॉज मेरा एक्स खत्म हो चुका है, और अपन लोग का ये क्या बोलते हैं पिकैक्स, पिकैक्स इधर है, पिकैक्स तो नहीं कहेंगे मैंने हो, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर मैं समझ नहीं पाया, बट हाँ इसको तोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ो, बाद में तोड़ लेंगे। तो अरे यार एक मिनट, वुड का पिकैक्स ही बना फिर, नहीं वुड का क्यों बनेंगे जब कॉबलस्टोन है, कॉबलस्टोन क्यों बनेंगे, वुड का भी और नहीं बनेंगे। पिकैक्स ऐसा बनता है, मैं दोनों का पीछे का स्ट्रक्चर सेम है ना, तो उससे थोड़ा दिक्कत हो जाता है। बट चलो जी पहले इसके आप तोड़ लेते हैं, इसका मेरे को बैकअप भी करना पड़ेगा, नहीं तो इतना महीना तो पानी में चला जाएगा। तो गाइस फाइनली कुछ ऐसा दिखने वाला है आप लोग का ये जो चीज़ है, ठीक है, ऐसा कुछ दिखने वाला है। मैं सोच रहा हूँ एक काम करता हूँ, रुको इसको ये तोड़ता हूँ, ये भी तोड़ता हूँ। तो अभी मेरे पास वो दो डोर्स है, तो इसको अपन लेते हैं, ठीक है, इधर बैठा दिया, ठीक है, और इधर प्रेशर प्लेट, बस हो गया। गाइस अभी थोड़ा सा सही लग रहा है, और मैं सोच रहा हूँ ना ऊपर का, मैं तुम लोग को ऊपर का सोच रहा हूँ, ऊपर का भी एक चीज़ मैं कर दूँ, क्या कहते हो गाइस, वो भी अच्छा रहेगा। मैं सोच रहा गाइस ऊपर का भी जो सीन है वो भी कर देता हूँ गाइस, क्या कहते हो। तो आप थोड़ा एक मिनट रुकोगे, मैं इसको फिर से कर देता हूँ। अरे ऊपर का यदि मैंने कर दिया तो फिर ये कवर हो जाएगा, क्योंकि जो लग रहा है वो तो सही तो है, इतना भी कुछ है। हाँ ओके, इतना
और हाँ अभी बाकी का जो फेंस है इसको पूरी तरह से लगा देते हैं जिससे मैं गिर ना जाऊँ। अच्छा हाँ इसको ये तो इधर से तोड़ना तो पड़ेगा ना, इधर से नहीं तोड़ेंगे तो फिर वापस कैसे चलेगा। चलो जी इसको अभी अपन पूरा लगा देते हैं। कैसे लगाना अभी तुम लोग को तो पता चल ही चुका होगा, ऐसे करके लगा देंगे और इसके ऊपर एक एक करके टॉर्चेस आएंगे तो बहुत सारे मटेरियल्स होने वाले। तो आई थिंक और थोड़े बचे गाइस, वापस से पेड़ काटने जाना पड़ेगा। इसको इसको लगा के अपन जाएंगे ठीक है। और अपन गाइस नेक्स्ट वाले एपिसोड में ना अपन सोच रहे उस साइड को जाएंगे, उस साइड को मैंने एक्सप्लोर किया नहीं है बट मैं ऑफलाइन में जाके एक बार देखा होगा क्या चीज़ है, बट हाँ उस साइड एक्सप्लोर करेंगे। और इसको अभी लगा देते हैं अपन गाइस। चलो गाइस अभी थोड़ा वेट करो, मैं उधर से गाइस जो उधर का जो थोड़े थोड़े पेड़ है उस पेड़ को काट के अपन आते हैं ठीक है। अरे कौन नीचे आ गया बे, ओए हेलो कौन है, हेलो कौन है, हेलो भाई कौन है भाई। अच्छा आप भाई तू क्या ट्रेड कर रहा है दे बोल। अरे यार ये कभी अच्छा ट्रेड नहीं करता। अच्छा ये मिल गया, ये मिल गया लाप, तेरे लिए मैं एक काम करता हूँ। आजा 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 एक और फेंस ओके। चल अब तू इधर रह, बाकी का काम तो अपन उधर करेंगे। ओके ओके चलो गाइस अभी अपन नीचे जाएंगे और इसका भी कुछ काम मता मता करते हैं अपन, देखते ये ऊपर उड़ के आ गया ना तो अच्छा होगा। उसका लीस पता नहीं कहाँ चला गया बट ओके भाई देखते। मेरे को ज़्यादा पेड़ तो नहीं बट हाँ थोड़ा छोटा थोड़ा पेड़ तो चलेगा। वो जो सामने दो चार पेड़ देख रहा है ये पेड़ नहीं ऐसे इधर का भी तो है ना। तो चलो गाइस थोड़ा पेड़ काट के चलो गाइस पेड़ काटने के बाद अपन लोग गाइस मिलते हैं ओके गाइस। तो ओके गाइस मैंने बहुत सारे गाइस पेड़ अपन आ चुके लेके, तो चलो गाइस पहले इसका प्लैंक्स बना लेते हैं। हाँ पता ही है कितने प्लैंक्स बनेंगे, मतलब इतना स्पेस हो चुका है जगह ही नहीं बचा रही। जो चीज़ नहीं चाहिए उसको रखो और इसका भी मैं काम तमाम कर देता हूँ। भाई बनाते बनाते भाई छः छः क्राफ्टिंग टेबल कब बन का पता भी नहीं चला सीरियसली बोलो। आज इसमें हाथ लगेगा बस बना दो, इतना कौन ये करेगा सब। अच्छा मैंने ये तो सोचा ही नहीं हुआ। अच्छा अच्छा फेंस 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 के लिए बना रहे थे ना। अरे भाई मतलब हद से ज्यादा मतलब सामान बन रहा है भाई, कुछ ज्यादा नहीं बन रहा क्या। चलो गाइस कोई बात नहीं इतने में आई थिंक हो जाएगा। अरे यार स्पाइडर के बच्चे निकल साले तेरी पैसा निकल। चलो जी अभी ये जो बाकी का काम है खत्म कर देते हैं ओके, बिकॉज इसके बाद चलो गाइस पूरा कंप्लीटेड हो चुका है। और थोड़े टॉर्चेस चाहिए ना, टॉर्चेस अपन
देखते हैं भाई मेरे पास कितना कोल है, उतना कोल से मैं बना देता हूँ टॉर्चेस, बिकॉज वहाँ उधर टॉर्चेस तो चाहिए ना, नहीं तो ऐसे स्पॉन होती रहेंगे। रुको ओके मैं इस फेंस को रख देता हूँ अभी के लिए, तो इधर रख देते हैं और अपन अभी ये करेंगे, क्या बोलते हैं इधर से 38 इतना काफी है। आराम से हो गया और टेंशन ही नहीं है सर जी, बस आराम से हो गया। ओके इधर एक और अंदर दे देते। तो ओके गाइस फाइनली मैंने इधर का जो गाइस टॉर्च है गाइस लगा दिया है, और गाइस रात का व्यू मैं आपको लास्ट के सीन में गाइस मैं आपको दिखा दूंगा गाइस कैसा सीन होने वाला है। तो आइए अब आपको ये माइनक्राफ्ट का सर्वाइवल सीरीज पार्ट 5 पसंद है, पसंद है लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही करते हैं गाइस, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट सर्वाइवल सीरीज में। आई नो भाई वीडियोस बहुत लेट आती है, बट क्या कर सकते भाई, मतलब मेरा टाइम नहीं होता इतना, बट गाइस जल्दी जल्दी गाइस देने की कोशिश करेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी आपको रात का सीन देख के, बाय बाय गाइस, रात का सीन देख लो गाइस।